कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरद पे चल के देख लेना। नमस्कार दोस्तों, एक साल पहले यानी 2018 में सेना में भर्ती हुए 19 साल के जवान कमलेश कुमार का शव जब तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया था। लोग एक दूसरे को संतावना दे रहे थे। इस दौरान चारों तरफ भारत माता की जय, शहीद कमलेश अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। पटना जिला के बख्यातपुर के लखनपुरा के रहने वाले कमलेश कुंपवाड़ा में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पाकिस्तान की गोलीबारी में शुक्रवार को शहीद हुए कमलेश की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये पहली पोस्टिंग थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कमलेश का गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। कमलेश गांव आए थे, लेकिन दोबारा उनके शहीद होने की खबर उनके गांव पहुंची। 19 साल के इस शहीद का शव शनिवार की शाम पटना लाया गया था। शनिवार को शहीद के शव को दानापुर कैंट में रखा गया था, जिसे रविवार की सुबह दानापुर से उनके पैतृक गांव लखनपुर लाया गया। शहीद के कारवा के साथ लोग जुड़ते गए और इस शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा था, जो वीरगति को प्राप्त हुए कमलेश कुमार अमर रहे भारत माता की जय कारे लगा रहे थे। इससे पहले 19 साल के कमलेश का पार्थिव शरीर शनिवार को पटना पहुंचा था, लेकिन बिहार के इस वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए बिहार सरकार का कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी पटना एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से सेना के अधिकारियों ने कमलेश के शव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नम आंखों के बीच वीर बलिदानी कमलेश का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, वीर बलिदानी कमलेश जी का ये बलिदान ये देश हमेशा याद रखेगा। देश उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।